प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन 1 मीटर स्क्वायर, जो प्लेट से उसका एरिया गिवन है आपको कितना है वो 1 मीटर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच का वो कितना दिया आपको 1 mm का, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ पे फिर से वही केस लेना है, प्लेटों के इनसाइड में वैक्यूम है, मतलब कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा है। चलो तुम बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा, खड़े हो जाओ, फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा बोलो क्या होगा बोलो। नहीं आता नहीं, अरे अभी तो लिखवाया था, वहां पे लिखा रहेगा ना, देखो फिर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो C इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻¹2, डी का वैल्यू कितना है 1 मिली मतलब 10⁻³, तो 8.85 × ये −3 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा −12 + 3 फैरेड होगा। बैठ जाओ, सिट डाउन। तो C का वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻¹⁹ फैरेड। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इस केस में भी यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, कर दिया हमने, हमें क्या निकालना है इस केस में, एरिया। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है आपको, कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फैरेड है, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो क्या पूछा है आपसे, एरिया, किसका एरिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट से उसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास C is equal to AF not by D, तो यहां से आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। A is equal to कितना होगा CD by epsilon not, C का वैल्यू कितना है 1, D का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻², मीटर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 10⁻², कितना आएगा −12, तो ये कितना होगा 10⁻+10, और ये कितना आ जाएगा 0.1016 आएगा, अप्रोक्स करोगे तो ये 1.016 × 10⁹ आएगा, अप्रोक्स 10⁹ मीटर स्क्वायर। तो काफी बड़ा एरिया लगता है, मतलब एक फैरेड का कैपेसिटेंस अगर होना है तो दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया हमने 1 सेंटीमीटर, फिर भी हमें कितना बड़ा एरिया लगेगा पता है, एक ऐसी प्लेट लगेगी जिसका विड्थ और जिसका लेंथ 30 किलोमीटर हो, मतलब एक ऐसी प्लेट है, एक प्लेट का लेंथ कितना होना चाहिए 30 किलोमीटर, और विड्थ भी कितना होना चाहिए 30 किलोमीटर, मतलब एक प्लेट ऐसी और इसके जैसे ही दूसरी प्लेट हो, और दोनों प्लेट को कैसे रखो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पैरेलल रखो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जो होता है वो बहुत बड़ा क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, इसलिए हम डेली लाइफ में 1 फैरेड वाला जो यूनिट है वो यूज नहीं करते, हम अल्टरनेट यूनिट कौन से यूनिट यूज करते हैं, अल्टरनेट 1 माइक्रोफैरेड 1 पिकोफैरेड 1 नैनोफैरेड ऐसे यूनिट यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यही था, समझ में आ गया आपको, ओके लिख लो फास्ट।